200 इस तरह, लेकिन सदका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक खजूर भी जो है ना वो भी आप सदके में दें, ठीक है। तो खजूर का मतलब ये है कि आप कुछ भी डाल सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? उम्मीद है तमाम फैमिली ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुशाबाद रखे। और आज की सुबह का आगाज़ हो चुका है, 12:04 हो चुके हैं, और मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को। और कुछ तबीयत ठीक नहीं थी तो आज मैं खा के निकला हूँ मूँग की दाल की खिचड़ी। देसी पंजाबी से कहने मूँगी की दाल वाली खिचड़ी। तो खिचड़ी कई तरह की होती है, तड़के वाली होती है, दूसरी होती है, लेकिन मैं जो खास खिचड़ी होती है वही खा के निकला हूँ। अब ये नहीं कहना कि भाई आप वो फूड खा के तो ऐसे होगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह से। वैसे भी मैं कभी कभी थोड़ा सा ना वो कर लेता हूँ कि बैलेंस रहे। अच्छा मुझे ना कहीं खुश हो रहे होंगे, देखा खिचड़ी पे आ गए हैं बड़े, हमें खाने दिखाते थे, ऐसा वैसा ऐसा कुछ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह से। तबीयत ख़राब होने का मतलब ये होता है कि वैसे भी कभी कभी घर की बनी हुई चीज़ें और खालस या हेल्दी फूड भी खाना चाहिए, ऑलवेज जंक फूड नहीं खाना चाहिए। मुझे पता है कहीं खुश हो रहे होंगे, देखा देखा, ऐसी कोई बात नहीं है। चले आज के व्लॉग का आगाज करते हैं। पीछे आंटियाँ आ गई थी तो असल में ना वो काम वाली आंटियाँ आ गई थी, ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो अब मैं निकलने लगा हूँ घर से, ठीक है। तो बड़ा सन डे है, बड़ा प्यारा आज का दिन का आगाज़ होगा इंशाल्लाह से। धूप बहुत मज़े की है। तो ब्रेकफास्ट तो मैंने आपको बताया कि मैं अभी खिचड़ी खा के निकला हूँ। तो मेरी जेब में जो है ना मैं अपना लंच बॉक्स भी लेके निकल आया, और मेरा लंच बॉक्स है टीटी स्नीकर्स। किस किस को पसंद है, किस किस ने खानी है बताइएगा ज़रूर। लो जी भाईजान आ गए हैं ऑफिस, और बता तो ऑलरेडी मैं चुका हूँ आपको कि खिचड़ी मैं खा चुका हूँ, और अब मेरा दिल है कि मैं ना ग्रीन टी भी जो है ना वो पी लूं, और उसके साथ साथ जो है ना ग्रीन टी विद देसी गुड़। गुड़ बहुत मजे का आया, स्पेशल आया। मेरे अंकल हैं वो कल देख के गए थे राजा निसार साहब, स्पेशल उनको गिफ्ट आया था कहीं से, तो उन्होंने कहा कि इधर गुड़ बड़ा अच्छा चलता है, इस्तेमाल करते हैं ये सारे। तो गुड़ भी मिल गया हमें, और ये कैसा लगा आपको मेरा ये ऑफिस में जो छोटा सा हमने किचन भी बना लिया, ताकि ये कभी ब्रेड साहब को पता है कहीं कभी कहीं, तो अब जो है ना अच्छी वाली सेटिंग भी हो गई है, और मरीज भी इधर बड़े हैं ना। ये देखें सिरप भी हमने रखा हुआ है, और ये सिरप हसन भाई के लिए रखा हुआ है, हसन मंशा भाई के लिए, फिक्र ना करें। और एक और मजे की चीज भी आप सबको दिखाता हूँ, फिक्र ना करें आप लोग, आप लोगों को बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। ये छुपाने लगे थे, जुशाना भी बड़ा, ठीक है ना भाई जान, कैमरा आगे लेके आए बताते हैं सबको। ये आया देसी गुड़, और इसका जो टेस्ट है ना आपकी सोच होगी, आप सारी कैंडीज भूल जाएंगे। और दूसरे नंबर पे ये हमारे ऑफिस में पड़ा हुआ है सदका बॉक्स, और अभी इसमें इकट्ठे हुए हैं 1100, क्योंकि 10-20 डालते हुए आजकल हम जो लोग हैं ना वो शर्माते हैं, 10 रुपए का सदका, 20 रुपए का सदका, 50 रुपए का सदका। सदका तो होना चाहिए 1000, 500, 5000, 100, 200 इस तरह, लेकिन सदका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक खजूर भी जो है ना वो भी आप सदके में दें, ठीक है। तो खजूर का मतलब ये है कि आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो आप मोहन भाई ने बोला कि आप 10 रुपए डालें, तो मेरी जेब में निकल आया 30 रुपए, तो ये सदके में डाल रहा हूँ, ये सारा सदका डाल रहा हूँ, कारोबार का, माँ बाप का, और आज कसम मैंने यूट्यूब फैमिली का भी इसी में सदका है, तमाम जो ये वीडियो देख रहे हैं उनका भी सदका। तो जाओ, और ये एलईडी भी हमारी आ चुकी है, सिगरेट कोई रात को भूल गया होगा इधर। और ये हमारा है ऊद,
और ये इसको इधर नहीं आप पड़ा होना चाहिए क्योंकि इसका अभी यूजेज नहीं है, दोनों चीजें लॉक है, इसको मैं उधर ही रख देता हूँ। आज का ऑफिस का भी लॉक हो गया जी। हाँ जी, मुझे बड़ी उलझन होती है जब ये सही सेटिंग नहीं की होती ना ये सदर सदाम साहब ने, तो फिर मैं आज इनको बड़ा कहता हूँ कि सदर साहब मेहरबानी कराया करो, कुछ ना सेटिंग करते रहा करो। तो एक्चुअली वॉलेट मेरी पॉकेट में इसलिए नहीं है कि क्योंकि अक्सर शलवार कमीज और पैंट शर्ट पहननी होती है ना, तो उस वजह से फिर वो वॉलेट मेरा थोड़ा बड़ा है, तो उस वजह से मैं फिर शलवार कमीज में उसको यूज नहीं करता, तो इसलिए फिर मैं आजकल जो है ना वैसे ही चल रहा हूँ। आज इस्मान भाई आपको दिखाते हैं आज के हमारे कैमरा मैन कौन है, ये भी आपको दिखाते हैं। स्टाफ करें हमारे हैं कैमरामैन मिर्जा उस्मान बेग। तालियां उस्मान बेग। उस्मान बेग भाई क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। उस्मान भाई सुना आजकल आपको बड़ी प्यारी नींद आती है। थैंक यू उस्मान भाई, मैं ठीक है नहीं दस रही भाई, चॉकलेट खानी शुरू कर सकती।